नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं गुड़ से बना अनानास का चटनी बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग एक पका हुआ अनानास ले लीजिए और उसको इस तरह से ऊपर नीचे से कट कर दीजिए और इसका बीच से दो हिस्सा कर दीजिए। अगर आप लोग इस तरह से अनानास को कट करके और पल्प निकालिएगा तो ये बहुत आसान तरीका है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा और बहुत अच्छी तरह से सारा पल्प निकल जाएगा। देखिए, एक मोटा चम्मच के सहारे हम सारा पल्प निकाल ले रहे हैं इसका। देखिए, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से सारा पल्प हमारा निकल गया अनानास का, तो इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ा। अब हम दिखा रहे कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत है। अनानास का पल्प, गुड़, नींबू का रस और थोड़ा सा नमक चाहिए स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून हल्दी चाहिए और 5 फोड़न चाहिए और मस्टर्ड ऑयल चाहिए। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप लोगों का मर्जी, आप लोग कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइन ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से बहुत अच्छा बनता है टेस्ट। अब हम इसमें 5 फोड़न डाल दिए। हमारा 5 फोड़न जब लाल होके थोड़ा चटकने लगेगा तब मैं इसमें अनानास का पल्प डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम भी रखूंगी और इसको अच्छी तरह से बीच बीच में चलाते भी रहूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी। अभी मैं 2-3 चम्मच पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारा अनानास थोड़ा अच्छी तरह से पक जाए। इसको अच्छी तरह से मिला देना है और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और हल्दी भी डाल देंगे। नमक से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, एक चुटकी नमक डालिएगा और हल्दी, हल्दी से तो टेस्ट बढ़ ही जाता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, चटनी का कलर बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। तो हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, ये सब नमक हल्दी को, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जब हमारा अनानास ट्रांसपेरेंट दिखने लगे थोड़ा सा। तो हम अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, आप अपना टेस्ट के अनुसार गुड़ डालिएगा। हमारा अनानास बहुत ही पका हुआ और मीठा था तो इसलिए हम थोड़ा गुड़ डाले हैं, आप अपना टेस्ट के अनुसार गुड़ डाल दीजिएगा। देखिए, अब हम गुड़ डाल दे रहे हैं इसमें और गुड़ जब पिघल जाएगा और चटनी थोड़ा सा ठीक बनने लगेगा तो हमारा चटनी बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारा चटनी बनके तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डाल देती हूँ, ये नींबू का जूस डालने से और भी अच्छा बन जाता है, खट्टा मीठा बनता है, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मोटापे से परेशान है और चीनी खाना नहीं चाहता है, उन लोगों के लिए आज हमारा ये रेसिपी है, गुड़ से बना हुआ चटनी। देखिए कितना अच्छा चटनी का कलर है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट चटनी बना है हमारा। हम इसको एक कटोरी में निकाल लिए। तो फ्रेंड्स,
देखिए आज हमारा रेसिपी गुड़ से बना हुआ अनानास का चटनी। ये अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।